हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एनकाउंटर के बारे में। एनकाउंटर बेसिकली होता क्या है, एनकाउंटर कब होता है, इन सब के बारे में। तो एनकाउंटर का जो मीनिंग होता है वो होता है, हिंदी में अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूँ एनकाउंटर शब्द का, जो हिंदी में मीनिंग है वो होता है मुठभेड़ या सामना करना। और एनकाउंटर जो टर्म है, एनकाउंटर जो वर्ड है, इसको मैं अगर ये भी कहूँ कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब क्या है कि एक तो होती है जुडिशियल किलिंग, एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब ये हुआ, जुडिशियल किलिंग अगर मैं मतलब बात करूँ तो ये है कि जब आपको कोर्ट सजा सुनाए कि इनको मृत्युदंड दिया जाता है, इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है, तब तो हो गया जुडिशियल किलिंग कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है तो आपको मृत्युदंड होगा। ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। इसमें क्या है कि कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, इसमें पुलिस वाले के पास ही पावर है, पुलिस वाले जो हैं उन्हीं के पास ये अधिकार है, उन्हीं का ये राइट है कि वो किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी पे इनकी इसको डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, मतलब उसको उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। पेनल्टी तो वो नहीं दे रहे हैं, वो डेथ कॉज ही कर रहे हैं डायरेक्ट, तो वो डेथ कॉज कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें पुलिस वाले के पास ये राइट है, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले एनकाउंटर, मैंने आपको बताया कि एनकाउंटर जो है उसका मतलब एक तो शाब्दिक अर्थ जो है वो है मुठभेड़ या सामना करना। दूसरा मैं आपको बताया हूँ कि एनकाउंटर जो है उसका हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी बोल सकते हैं। तीसरी बात आती है कि एनकाउंटर कब होगा या कौन करेगा। तो कौन करेगा, तो इसमें हम जनरली ले सकते हैं कि जो एनकाउंटर होते हैं वो सरकार की जो एजेंसीज बनी हुई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले लोग जो हैं वो ही करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हम कह सकते हैं कि सेना के जवान हैं, CBI वाले हैं या पुलिस के जवान हैं, क्योंकि इन्हीं का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। जब भी कोई अपराध होता है तो यही लोग जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब बात आती है कि वो कौन से ग्राउंड है जिस पे जो पुलिस वाले हैं या सेना के जवान हैं या CBI वाले हैं या कोई अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकते हैं, उनको मार सकते हैं, उनको जान से मार सकते हैं। तो पहला तो है उनके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने बचाव में सामने वाले की हत्या कर सकते हैं, लेकिन उनके जो बचाव हैं उसमें ये होना चाहिए कि उनको ऐसा भय हो कि उनकी भी मृत्यु हो सकती है या उनको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो इसके लिए सेक्शन जो है वो डील करता है सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो आपको बना चुका हूँ, एक बार आप वो देख लीजिए, उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि सेल्फ डिफेंस या फिर प्राइवेट डिफेंस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो पहला ग्राउंड हो गया सेल्फ डिफेंस। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई अपराधी है जिसने ऐसा ऑफेंस किया है, जिसने ऐसा एक्ट किया है जिसकी जो पनिशमेंट है, जिसकी जो सज़ा है वो या तो डेथ पेनल्टी मतलब मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट जिसको हम कहते हैं। तो अगर कोई ऑफेंस जो कोई व्यक्ति करता है जिसकी सज़ा या तो डेथ पेनल्टी मतलब मृत्युदंड या लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास है, तो पुलिस वाले को उसके पास राइट है उसको मौत के घाट उतारने का, उसको मारने का। अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया हुआ है पुलिस वाले ने और वो अरेस्ट से छूट के भागता है, मतलब पुलिस की कस्टडी से वो भागता है, तो पुलिस वाले के पास राइट है, वो उसको मार सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा और मार दो। मेरा कहना है कि पुलिस वाले ने अरेस्ट कर रखा है और जो अक्यूज पर्सन है जो और जो ऑफेंडर है जिसने ये अपराध किया है वो उस पुलिस की कस्टडी से छूट के भाग रहा है या उसको धक्का देके या जिस तरह से भी भागने की कोशिश कर रहा है उस कस्टडी से, जिससे वो बच निकले, जिससे वो पुलिस थाने के पास पुलिस थाने में ना पहुंच पाए और ना वो जेल में जा पाए और ना उसको कोर्ट से सजा हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भागता है पुलिस कस्टडी से और उसने जो अपराध किया है उसका जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो बिल्कुल पुलिस वाले हो या सेना वाले हो या CBI वाले हो या अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी काम कर रही है, वो लोग डेथ कॉज कर सकते हैं उस पर्सन की, उसको मार सकते हैं जान से, बिल्कुल पूरा अधिकार है उनके पास अगर वो छूट के भागता है तो। लेकिन क्या होता है कि अगर हम रिसेंट में बात करें तो अभी विकास दुबे का एनकाउंटर केस हुआ 2019 का। अगर मैं आपको डाटा की बात बताऊं कि एक डाटा आया है तो उसमें बता रखा है कि 2019 में टोटल 2000 के आसपास जो है एनकाउंटर केस हुए। तो अगर इतने सारे एनकाउंटर हो रहे हैं तो मतलब ये कहना सकते हैं कि 2000 जो अपराधी थे वो पुलिस कस्टडी से भाग रहे थे। तो क्या हुआ कि 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का केस आया था PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस दी। गाइडलाइंस क्या दी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई अगर आप एनकाउंटर कर देते हैं ऐसा
और सस्पिशन हमें लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए ये PUCL जो PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2014 का जो केस था, इसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें पहली जो थी उसमें बताया कि आप सबसे पहले FIR रजिस्टर करिए कि भैया एक एनकाउंटर हुआ है, तो उसकी सबसे पहले एक FIR रजिस्टर होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें पुलिस वाले जो हैं अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी व्यक्ति ने एनकाउंटर किया है तो अब जो व्यक्ति है एनकाउंटर किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या जो एनकाउंटर किया गया है वो सही किया गया है या नहीं किया गया। तीसरी चीज़ ये थी कि मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है क्योंकि वो इंक्वायरी कर सकता है। तो सेक्शन 176 जो है CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 176 है, 176, उसमें बात कर रखी है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी कर सकता है जो भी कोई इस तरह का केस आता है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ कॉज होती है। उसके बाद इसमें चौथी जो बात थी वो ये थी कि जब भी कोई ऐसी FIR रजिस्टर होगी तो उस पुलिस थाने की जिम्मेदारी होगी कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके जो मेंबर्स हैं उनको ये इन्फॉर्म की जाए कि इस तरह की एक FIR रजिस्टर्ड हुई है। क्योंकि कुल मिला के क्या है कि आप एनकाउंटर करते हैं किसी व्यक्ति का, और अगर वो मान लीजिए वो एक तरह का फेक एनकाउंटर है, तो आप कुल मिला के क्या है कि एक व्यक्ति के आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है कि सभी को जीने का अधिकार है, आप उसको ब्रीच कर रहे हैं, आप उसको आप ले रहे हैं। तो अगर आप किसी की राइट जो है, किसी की लाइफ का जो राइट है आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आपको किसी ने पावर नहीं दी है, ये पावर तो किसी भी पर्सन के पास नहीं है कि आप उसकी राइट टू लाइफ को ख़त्म कर दें। तो इस कारण जो है NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जाती है। उसके बाद इसमें ये है कि पांचवी जो चीज़ है कि आप जो है उस पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस तरह की एक FIR रजिस्टर्ड हुई है जो एनकाउंटर किया गया है। तो ये था जो है PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का केस, जिसमें गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने। और एनकाउंटर में बेसिकली जो बात होती है वो यही है कि आप एक तो सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को कोई हार्म करते हैं जो कि डेथ पेनल्टी हो जाता है, जो डेथ कॉज हो जाती है, या फिर आप ऐसा ऑफेंडर है जिसने ये एक्ट किया हुआ है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, और उसको आप वो भागने की कोशिश करता है आपकी कस्टडी से, तो आप उसको मार सकते हैं। तो ये है बेसिकली एनकाउंटर के प्रोविजंस। और एनकाउंटर का अगर मैं बात करूं कि ये वाली बात कहां लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है और आप उसको मार सकते हैं अगर उसने जो ऑफेंस किया है वो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, तो ये है सेक्शन 46 का सबसेक्शन 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 46 मतलब सेक्शन 46 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें ये बात लिखी हुई है साफ साफ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आता है एनकाउंटर क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच।